Hello friends, my name is Vijay Laxmi Kanwar. I am assistant professor at Biani Girls of College. Today I am delivered a lecture on positive psychology. So what is positive psychology? Basically, positive psychology is a new approach given by Martin Seligman. Martin Seligman ne ye concept diya jo ki ek bahut hi new concept hai positive psychology. बेसिकली हम पॉजिटिव साइकोलॉजी को अभी के टाइम में पढ़ते हैं और जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि कैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी ट्रेडिशनल साइकोलॉजी से डिफरेंट है. पॉजिटिव साइकोलॉजी बात करता है ह्यूमन पोटेंशियल्स की, ह्यूमन एबिलिटीज़ की और ह्यूमन स्ट्रेंथ की, कि कैसे हम एक ह्यूमन को उसके अबनॉर्मल बिहेवियर को या उसके किसी डार्क साइड को पॉजिटिव चीज़ों से, पॉजिटिव थिंग्स से, उसकी अपनी क्वालिटीज़ के थ्रू हम उसको कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं. तो इस कॉन्सेप्ट को मार्टिन सेलिगमैन ने दिया 1998 में और इन्होंने कुछ अपनी बेसिक अजम्पशंस बताई पॉजिटिव साइकोलॉजी की कि क्या है पॉजिटिव साइकोलॉजी. पॉजिटिव साइकोलॉजी में ह्यूमन गुडनेस आर एक्सीलेंस आर एज ऑथेंटिक एज डिजीज डिसऑर्डर एंड डिस्ट्रेस. इट मीन्स कि जिस तरह ट्रेडिशनल साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि किसी भी ह्यूमन के अबनॉर्मल बिहेवियर को कैसे हम ठीक करें, उसको बस कुछ ट्रीटमेंट दिया और उसे ठीक कर दिया कि वो अपनी डेली की लाइफ को अच्छे से जी पाए, लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता. पॉजिटिव साइकोलॉजी का ये कॉन्सेप्ट है कि हम उसको -5 जो बंदा अबनॉर्मल है, जिस बंदे में कुछ भी डिस्टर्बेंस है, उसको कैसे हम -5 से +5 पे, जो कि मार्टिन सेलिगमैन का ही एक कॉन्सेप्ट था कि आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर जो भी इंसान, जो भी ह्यूमन -5 वाली रेंज पे गया हुआ है, उसको उसके ह्यूमन पोटेंशियल्स को उभार के, उसकी एबिलिटीज़ को, उसकी कैपेबिलिटीज़ को उसे बता के कि कैसे आप अपनी जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको डेवलप करके आप -5 वाले बंदे को पॉजिटिव +5 पे ला सकते हैं. सो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो बहुत ही अच्छा और एक पॉजिटिव रिवेल्यूएशन हुआ है हमारे साइकोलॉजी में. उसके बाद उन्होंने जो अजम्पशंस थी उसके कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं बताती हूँ आपको. करेक्ट द इम्बैलेंस, कि जो भी हमारे बिहेवियर में इम्बैलेंस है उसको करेक्ट किया जाए, वो भी इन पॉजिटिव वे. द सेकेंड वन इज़ चैलेंज द डिजीज़ मॉडल. डिजीज़ मॉडल क्या था? डिजीज़ मॉडल था कि कैसे किसी भी प्रॉब्लम को, एक डिजीज़ को ढूंढा जाए और उसको ठीक किया जाए, लेकिन उस मॉडल को पॉजिटिव साइकोलॉजी ने नकारा और इसको चैलेंज दिया कि हम डिजीज़ मॉडल की बात नहीं करते, हम पॉजिटिव चीज़ों की, एबिलिटीज़ की, कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं. तो इन्होंने इसको चैलेंज किया. कॉल फॉर इंटरेस्ट इन बिल्डिंग द बेस्ट थिंग इन लाइफ, द बेस्ट थिंग इन लाइफ. सो पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर के बेस्ट पार्ट का, बेस्ट थिंग को उभारते हैं, जिससे कि उसका जो डार्क साइड है, जो उसके बिहेवियर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस कर रहा है, वो डिस्टर्बेंस ना करे और उसकी लाइफ को और हेल्दी और हैप्पियर बनाया जाए. सो सेलिगमैन का जो कॉन्सेप्ट था वो यही कॉन्सेप्ट था कि हम किसी भी पर्सन को जो -5 पे गए हुए हैं, जो -5 जितना उनमें डिस्टर्बेंस है, हर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो क्योंकि किसी हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अपनी एबिलिटीज़ होती है, कुछ अच्छाइयाँ, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, तो हम क्यों हमेशा ट्रेडिशनल साइकोलॉजी पे ही बेस्ड हैं कि किसी भी अबनॉर्मल बिहेवियर वाले व्यक्ति को लाया जाए और उसे कुछ मेडिसिन के थ्रू और थेरेपीज के थ्रू ठीक करके बस एक जैसे लाइफ चलती है वैसे ही चलने के लिए उसे छोड़ दिया जाए. क्यों ना उसकी लाइफ को और अच्छा बनाया जाए, उभारा जाए और उसकी क्वालिटीज़ को उसको बताया जाए, क्रिएटिव चीज़ें उसे बताई जाए और उसके बिहेवियर को एक नॉर्मल, हैप्पी एंड हेल्दी और वर्थ लिविंग बनाया जाए. द टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड देयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट द वीडियो.